गाजियाबाद में आज लगभग 1000 हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच देकर के, पैसा देकर के धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन का कानून ही बना हुआ है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसे सजा का प्राविधान है। लेकिन इस तरह घटनाएं जो घटित हो रही, इससे सिद्ध होता है कुछ कट्टरवादी मुसलमान, उनके धर्मगुरु मौलवी भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, या कभी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इनके पास इतना पैसा आता कहां से है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, यहां तक उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। क्योंकि किसी के धर्म का परिवर्तन लालच देकर के नहीं करना चाहिए, यह अतिनिंदनीय है। और मुझे यह ताज्जुब होता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान के जो धर्म गुरु हैं वो लोग उन्हें ज्ञान देते नहीं है क्या कि आप गलत कर रहे हो। किसी को लालच देकर के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना भी एक अन्याय है, वो पाप है। तो हमारी मांग सरकार से यही है कि ऐसे लोगों पे एक नया कानून बनाया जाए कि धर्म परिवर्तन करने वाले को जो कराते हैं उनको जो पैसा देकर के किसी के धर्म का परिवर्तन कराते हैं उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। गाजियाबाद की घटना दोबारा न घटित हो, किसी की इतनी हिम्मत न पड़े, ऐसे अपराधी प्रवृत्तियों को लोगों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और जो मुस्लिम धर्म गुरु बनते हैं, कहलाते हैं अपने आप को, वो चुप क्यों बैठे हैं, उसको भी इनका विरोध करना चाहिए कि किसी के धर्म का परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। स्वेच्छा से कोई जाना चाहे वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने तो विदेशी पैसे की फंडिंग करके, एक तरह से मैं यह कहूंगा कि